नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। मैं हूं अपर्णा मौजम। जल्द ही लोकसभा की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। ऐसे में मिशन 370 के लिए बीजेपी का प्लान हो गया है तैयार। इस बार बीजेपी कश्मीर के नाम पर वोट मांगेगी, जिससे विपक्ष को चोट बड़ी लगने वाली है। साल 2014 में देश में मोदी सरकार बनी, साल 2019 में भी मोदी सरकार ने वापसी की और अब बारी 2024 की है। एक बार फिर चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। इस बार भी बीजेपी की वापसी को लेकर उसकी उम्मीदें पूरी हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला 370 बनाया है, यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर वोट की अपील। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य। बीजेपी हर बूथ पर पिछले इलेक्शन से 370 ज्यादा वोट लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करेगी और बीजेपी का 370 सीट जीतने का लक्ष्य भी है। हालांकि एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य तय किया है। यही फॉर्मूला है जिस पर बीजेपी मिशन 370 में जुटेगी। बीजेपी के मिशन पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं पहचान पाई है। धारा 370 हटाने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए, ये भी कांग्रेस का सवाल है। सबने धारा 370 हटाई है, अब हमको 370 सीटें लाना है इस चुनाव के अंदर। और हर कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है कि अपने अपने बूथ पर 370 वोट बढ़ाए ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। और कश्मीर जैसे मुद्दों को उभार कर चुनाव लड़ना है तो फिर देश आत्मनिर्भर कैसे हुआ? इन वर्षों में विकास कार्य क्यों नहीं हुए जो ऐसे घृणित मुद्दों पर चुनाव लड़नी पड़ रही है? अब धारा तो 370 मोदी सरकार ने हटाई थी, उसके बाद कश्मीर में आज तक चुनाव क्यों नहीं कराए? 370 हटाने का व्यापक वहां यदि फर्क पड़ा तो चुनावी साल है तो सियासत होना भी लाजमी है। दावों और वादों की राजनीति ही तो सियासत है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन फैसला आवाम को करना है और जनता क्या फैसला करेगी वो नतीजे बताएंगे। और अब वक्त हो गया है महाडिबेट के सवालों पर नजर डालने का। सवाल क्या है जिनके इर्द गिर्द आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी वो आपको बताते हैं। पहला सवाल है फॉर्मूला 370, क्या यही फॉर्मूला बीजेपी को जीत दिलाएगा? दूसरा सवाल है कश्मीर पर वोट, क्या होगी विपक्ष पर चोट? तीसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस का प्लान क्या है? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। कौन कौन हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निरंजन पोद्दार जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ और मेहमानों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करवाएंगे। लेकिन पहला सवाल राजपाल सिंह सिसोदिया जी मेरा आपसे है। सर, 14, 19 और 24 में भी वापसी की पूरी उम्मीद बीजेपी कर रही है, लेकिन फिर ये फॉर्मूला 370 की ही आवश्यकता क्यों हुई? क्यों नहीं जो योजनाएं उपलब्धियों का बखान आप लोग हर मंच से करते हैं उन्हीं के जरिए आप जीत की बात कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने किए हुए विकास कार्यों के आधार पर और हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जो महाकल्याण का कार्यक्रम हमने किया, गरीब कल्याण का, और आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में हमने गरीब कल्याण के रिकॉर्ड स्थापित करने के काम किए हैं, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है विनम्रता से। परंतु उसके साथ साथ में हमारी केंद्र की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन कार्यों को भी हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। धारा 370 हटाना ये एक बहुत बड़े लंबे समय की हमारी मांग थी। धारा 370 अर्थात देश में गुलामी, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान, नहीं चलेंगे। भारत देश में ही अगर हमको परमिट लेके जाना पड़े उस बात का विरोध करने का काम स्वर्गीय मुखर्जी जी ने किया और मुखर्जी जी का बलिदान वहां हुआ
उस बलिदान को हमने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हमारी सरकार जब पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठी तो हमने कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटाकर अब एक देश में एक प्रधान, अब एक देश में एक निशान अर्थात एक तिरंगा, अब एक देश में एक विधान अर्थात एक कानून, उस ओर मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत देश के अंदर ही हमारा मुकुटमणि है कश्मीर, उसके अंदर जब हम ठीक है राजपाल जी, पानी भी पी लीजिए और अपना फोन साइलेंट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है आपकी बात समझ गए। यहाँ भूपेंद्र गुप्ता जी सुन लिया होगा आपने पूरा जवाब। तो कांग्रेस को, कांग्रेस के पास क्या है बीजेपी के इन इरादों को रोकने के लिए प्लान? फिर से आपका सवाल बताइए, सुन नहीं पाए। जी भूपेंद्र जी आपने राजपाल जी का ही पूरा जवाब सुन लिया होगा, तो उन तमाम चीजों के मद्देनजर कांग्रेस का, कांग्रेस के पास 2024 को लेकर क्या प्लान है बीजेपी को रोकने का? कि बीजेपी तो अपने आप रुकी रही है, तभी तो ये पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसलिए कि इतने घबराए हुए हैं। इतने बड़े बड़े काम जिसका ये गिनाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं मिस कॉल से, उसके बाद इतने घबराए हुए क्यों हैं कि एक छोटी छोटी पार्टी, 32 पार्टियों का कुनवा जोड़ा है इन्होंने। कांग्रेस तो जो है इंडिया गठबंधन तो 28 पार्टियों का था, इन्होंने 32 पार्टियां जोड़ी हुई हैं, ये उसका जिक्र नहीं करते हैं। दूसरी में आपको एक जो है, इन्हें पता नहीं भाई साहब कब जो है बीजेपी से जुड़े हैं मुझे नहीं मालूम, और इन्हें जनसंघ के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन जो जनसंघ पार्टी का जो स्थापना दिवस था जिसके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, उनके भाषण का एक हिस्सा सुना देता हूँ और इन्हें जो है ये किताबों में मिल जाएगा, सिसोदिया जी उसको पढ़ लें। कानपुर में 1951 में जो जनसंघ का स्थापना सम्मेलन हुआ, उसमें जो है कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि हम घाटी को खुशी से विशेष दर्जा दिए जाने के लिए तैयार हैं, और ये दर्जा तब तक जारी रह सकता है जब तक के शेख अब्दुल्ला चाहें। और 9 जनवरी 1953 को उन्होंने जो है पत्र लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और पत्र में उन्होंने लिखा था कि कश्मीर घाटी में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में स्वायत्तता के लिए हमें खुशी से तैयार हो जाना चाहिए, किंतु लद्दाख और जम्मू का भारत में पूर्ण विलय होना चाहिए। 17 फरवरी को 1953 में नेहरू जी को उन्होंने फिर एक पत्र लिखा था कि दोनों पक्षों ने दोहराया है कि राज्य की एकता को बरकरार रहना चाहिए और यह स्वायत्तता जम्मू लद्दाख और कश्मीर घाटी पर लागू होगी। दिल्ली समझौते को अमल में लाने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। अब इसमें जो है ये जो स्पष्ट है कि जनसंघ के जन्म के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इस विशेष दर्जे के विरोधी नहीं थे। ये कालांतर में जो भारतीय जनसंघ उनकी मृत्यु के बाद जो इस राजनीतिक स्वार्थों के लिए इन्होंने इसको इशू बनाया, ये मैंने आपको वास्तविक स्थिति बताई। इसका भारतीय जनता पार्टी को जो है तथ्यात्मक जो है खंडन करना चाहिए कि ये उनके भाषण में ऐसा क्यों था। ये बात करते हैं एक विधान एक निशान एक प्रधान की, बहुत अच्छी बात है, नारा सुनने में कितना प्रिय लगता है। अगर आप इस सिद्धांत के खिलाफ हैं तो अभी आपने नागालैंड में 2 विधान क्यों स्वीकार किए, नागालैंड में 2 निशान क्यों स्वीकार किए आपने? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। केवल एक लगाकर जनता को भ्रम फैलाकर और उल्लू बनाने की कोशिश करना, ये देश में आपकी वास्तविक स्थिति है। प्रधानमंत्री जी ने जो है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में जो बैठ के अटेंड की हैं और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ अटेंड की हैं, 2 निशान के साथ अटेंड किए हैं, उनके साथ आप सरकार में लड़ रहे हैं और सरकार में रहने के दौरान आपने जो है उनकी सारी अधिकृत बैठकों में, सरकारी बैठकों में आपने 2 निशान भी स्वीकार करे और जो है 2 विधान भी स्वीकार करे और आपने किन्हीं बातों का विरोध नहीं किया। आज राजनीतिक स्वार्थों के कारण इसको आप एक एजेंडे में लाना चाहते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं, आपको राजनीति में सारे विषय पर चर्चा करने की आपको आजादी है, आप अपने इशू पर बात कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर उसमें जो है मिर्च मसाले मिलाकर अपने तथ्यों को छुपाकर आप जो बात करते हैं वो आपके 2 मुहेपन का जो है निशान है। इस पर जरा स्पष्ट होना चाहिए परिस्थिति।
इस पर स्पष्ट ठीक है राजपाल जी से जवाब लूंगी मैं इस बात पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उपदेश अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, वो टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, स्वागत है सर आपका। लेकिन राजपाल जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पोद्दार जी का रुख करूंगी। देखिए कांग्रेस नेहरू की नाकामी को दबाने का इस प्रकार के तथ्यात्मक चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास ये रिकॉर्ड में है आपके, आप कीजिए। अभी आपके जनसंघ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि पढ़ने के बाद करें, अपने जो हवा में तीर मत चलाइए। संदिग्ध अवस्था में कश्मीर के अंदर डॉक्टर मुखर्जी का निधन हुआ कि नहीं हुआ, आप उनके भाषण उठा दीजिए। सरकार ने झूठ बोलने पर यहाँ कोई फायदा नहीं कि नहीं किया, कोई फायदा नहीं। मैंने आज संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई इस पे जरा बात कर ले। ठीक है भूपेंद्र जी जवाब तो ले लीजिए उनसे। आपको पूरे धीरज के साथ सुना ना उन्होंने, नहीं नहीं भूपेंद्र जी समय दीजिए उन्हें, बात तो रखने दीजिए उन्हें अपनी। आपने पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाया, किसी ने आपको नहीं टोका, किसी ने नहीं रोका, आपने जो कहा उन्होंने सुना, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। देखिए इसका जवाब देना है, उन्होंने बोला भाई आप ही के सवाल पर जवाब दे रही हूँ ना राजपाल जी से। ये तथ्य पे बात है कि नेहरू की जेल के अंदर संदिग्ध अवस्था में मुखर्जी जी की मृत्यु हुई, ये संदिग्ध अवस्था में उनको जो है मौत के घाट उतारने वाले नेहरू की कांग्रेस के लोग। ठीक है निरंजन पोद्दार जी मैं आगे बढ़ रही हूँ। कश्मीर जाते हैं तो उनको राजपाल जी एक ऑडियो ग्लिच भी है आपकी आवाज में, बहुत नॉइज हो रहा है, जरा देखिए कहीं कुछ कनेक्टिविटी, देखिए ऑडियो ग्लिच भी है यहां पर। निरंजन पोद्दार जी बहुत कम समय मिलता है हमें बहस के लिए, तो इसलिए मैं सीधा सवाल कट टू कट आपसे करूंगी। कश्मीर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, क्योंकि ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट की बात भी यहां पर हो जाती है, और इसकी बात करना लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान, क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष पर हावी होने के लिए या विपक्ष को चोट करने के लिए ये एक मजबूत मुद्दा है, बीजेपी के पास हथियार है, एक मजबूत हथियार? देखिए अपना जी ये राजनीतिक रूप से मजबूत हथियार है या नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धारा 370 को कश्मीर से रिमूव किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी घटना होने के बाद में कोई भी चीज का समाधान, यानी कि नासूर निकलने के बाद में हमें वो बीमारी छोटी लगने लग जाती है, लेकिन इस चीज से कौन इनकार कर सकता है कि ये जो जम्मू कश्मीर को तो विशेष दर्जा देने के बाद में एक जिस तरीके से अलगाववादी वहां पे एक चारधारा का उत्पन्न होता, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम पे या चाहे वहां की तमाम राजनीतिक जो परिवार है उनके द्वारा जिस तरीके से कश्मीर को और पाकिस्तान को एक मुद्दा बनाकर और इस देश के लिए एक नासूर बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब सर्वविदित है कि आज वो बात अतीत की बात होती है। आप देखते हैं कि आज वहां लाल चौक के ऊपर किस तरीके से भारत का गुणगान होता है, किस तरीके से तिरंगा झंडा फहराया जाता है, और एक समय होता था जब हमारे स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के ऊपर वहां पे कर्फ्यू की स्थिति हुआ करती थी, क्या वो देखा नहीं आपने हमारे जो सैनिक है उनके ऊपर उनको चाटे मार, क्या हमको देखा नहीं वहां भटका हुआ, देखा नहीं है आज कहां चले गए पत्थरबाज, क्या ऐसा क्या हो गया कि वहां तो आप ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में बदलाव आए हैं अगर वो बीजेपी सरकार के कदम की वजह से आया है तो उसका श्रेय क्यों ना ले। लेकिन उपदेश जी सवाल यहां पर फिर वापस घूम फिर कर यही आ जाता है कि जहां बीजेपी भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिस बयान का वक्तव्य का हवाला भूपेंद्र जी ने दिया, लेकिन बीजेपी के हमेशा से घोषणा पत्र में इस बात की जगह शामिल रही अबॉलिशन ऑफ 370, तो लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या यही फॉर्मूला बचा है। मैडम किससे पूछ रही है? अवधेश जी से, सॉरी अवस्थी जी से, उपदेश अवस्थी जी से। अपर्णा जी, अपर्णा जी सर, मुद्दा केवल धारा 370 बचाए ये विषय नहीं है जी। विषय ये है कि यदि धारा 370 भी मुद्दा है तो क्या बुराई है। यदि सरकार ने कोई काम किया है और सरकार वो रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाना चाहती है, सरकार को लगता है कि हम कश्मीर में शांति लाए हैं, खुशहाली लाए हैं और इसके नाम पर वोट दो, तो क्या बुराई है ये मांगने में। सरकार अपनी सफलताओं की बात करेगी और इनको सरकार के कान पकड़ने चाहिए ठीक प्रकार से, इनको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है। यदि कश्मीर की बात करेंगे और कश्मीर की बात को लंबा खींचेंगे
तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस कश्मीर में शांति नहीं ला पाई और शांति लाने के कोई प्रयास भी नहीं कर पाई। उन्होंने हमेशा विषय को टालने की कोशिश की, लगातार वो कश्मीर को अपनी दूसरी प्राथमिकता पर रखते थे, उनके लिए कुछ और प्राथमिकताएं हुआ करती थी। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 के मुद्दे को उठाकर, कश्मीर के विषय को उठाकर भारत की इतनी बड़ी पार्टी बनी। कश्मीर को यदि भारत के लोग जानते हैं, कश्मीर के विषय को लोग जानते हैं, कश्मीर के आतंकवाद को पूरी दुनिया जानती है, तो इसलिए जानती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो इस विषय पर लगातार बात करते हैं, और उन्होंने लोगों को बताया कि वहाँ कितनी बुरी स्थिति है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के बारे में बात करते हैं, पब्लिक के लोग जो बात करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कश्मीर कहाँ पर है, कहाँ वो बारामूला है, कहाँ पर करगिल पड़ता है, लेकिन उनको ये पता है कि हम लोग लड़े, हम जीते। तो ये लोगों तक किसने पहुँचाया? और यदि इस विषय पर जाना चाहते हैं पंडित जी, तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है? यदि 370 का एक आंकड़ा मैच कर रहा है इस बात से कि वहां धारा 370 भी थी और यहां हर बूथ पे 370, वही कंक्लूजन हो गया ना कि भाई जब किया है तो श्रेय क्यों ना ले। लेकिन यही फिर कांग्रेस के पास एक्शन प्लान क्या नजर आएगा, आपको क्या लगता है? आपको कश्मीर के मामले में कांग्रेस के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। कश्मीर के लोगों के पास कोई डेटाबेस नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने कश्मीर के लिए कभी कुछ नहीं किया। हाँ। कांग्रेस के पास कोई डेटाबेस नहीं है। कांग्रेस के पास भूपेंद्र जी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कश्मीर के लिए बोल सके वो। हाँ भूपेंद्र जी, जवाब दीजिए। जब उन्होंने किया है तो वो तो फिर उसको लेकर जाएंगे जनता के पास, बताएंगे ही अपनी उपलब्धियां। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, इस बात का जवाब भी लेके जाना चाहिए कि धारा 370 का ये जो कथित प्रचार है कि हटा दिए, इस प्रचार के बाद भी वह हिंदुओं की हत्याएं क्यों हो रही, उनका जो है व्यवस्थापन क्यों नहीं हो पा रहा। भारत के अंदर जिन हिंदुओं का ये कश्मीरी ब्राह्मण्स का रोना रोते थे, उनकी वापसी वहां पर क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने अपने ट्रांसफर मांगे कि आज उनकी जान का खतरा है, उन लोगों को इनकी सरकार ने ट्रांसफर नहीं दिया और उसके बाद उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, ये कश्मीर में एविडेंट है। आप इसकी चर्चा करके आइए ना, 370 आपने ठीक किया है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आनी चाहिए, ये बातें पब्लिक डोमेन में आएंगी। और आपसे मैं बता देता हूं कि 1954 से लेके 2010 तक धारा 370 में 42 संशोधन किए हैं कांग्रेस की सरकार। ये कह रहे थे अभी जो पत्रकार महोदय कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसके पास है क्या बोलने के लिए? मोदी जी ने तो एक संशोधन किया है, धारा 370 अभी भी है संविधान में, उसमें एक संशोधन किया है मोदी जी। धारा 370 के में 42 संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए। ये दुष्प्रचार से जो है कोई जो है बातें हल थोड़ी होती है। दुष्प्रचार क्या, आपने प्रचार नहीं किया। ये मेरी मैडम बात पूरी हो जाने दे। माननीय पत्रकार महोदय इस संबंध में जरूर अपनी अभिव्यक्ति करें कि नागालैंड में यही अधिकार, यही सारी चीजें क्यों दे दी गई। अगर सरकार सिद्धांतता इस बात पर सहमत है कि एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, तो नागालैंड में इसकी जो है वायलेशन क्यों हुई है, इसका जवाब दीजिए। आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं, या कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया इस देश में, ये तय आपकी बात को हमने मान लेता हूँ, तो आप जरा बताएं कि ये जो है सरकार का दूसरा रुख नागालैंड में क्यों है, इसका जवाब आप दीजिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी। यश भारतीय जी जिनसे जिन्हें हम उम्मीद करते कि जुड़ेंगे इस चर्चा में, वो ओवर द फोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। यश भारतीय जी, बड़ी बात यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि बीजेपी का ये प्लान है कि वो 370 हर बूथ से वोट बढ़ाएगी और उसको लेकर मिशन जो है वो है धारा 370 को लेकर वो हर घर तक जाएगी। आपके पास क्या एक्शन प्लान है? बीजेपी के इस फॉर्मूले की काट क्या है? देखिए, किसी भी बात की काट की जरूरत तब पड़ती है जब उसका कोई दरअसल से असर हो या कोई बात हो।
केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान और भाजपा आईटी सेल का ज्ञान अगर लोगों के बीच में परोसा जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो हम भी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नहीं खोल देंगे जिससे ये बताया जाए कि 47 में आजादी नहीं मिली। ये जो भाजपा के और एबीवीपी के लोग और आरएसएस के लोग जो चीजें फैलाते हैं उनसे हमें नहीं करना ना, वो तो क्या फैलाते हैं, धारा 370 ईस्वी से बाकी भारत का कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, कितने लोगों ने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है, कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के वहां लोगों को रहने की व्यवस्था करी है, कितना सुरक्षित माहौल किया हुआ है, वो लद्दाख बंद है। धारा 370 हटने के बाद आज पूरा लद्दाख बंद है, लद्दाख के पूरे लोग सड़कों पे हैं कि जो भी दो बार इन्होंने अपने घोषणा पत्र पे उनसे वादे किए थे, दो बार धोखा दिया है, 14 का 19 का और 24 का। आपको रोकना पड़ेगा यश भारती जी मुझे बीच में ही, क्योंकि जहां शायद आप हैं तो वहां एम्बुलेंस साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। राजपाल जी, जितना मोटे तौर पर हम समझ पाए, यहाँ पर यश जी ने भी वही सवाल उठाए हैं, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उपदेश जी के पास, माफ कीजिएगा, वहां जाऊंगी भूपेंद्र जी का सवाल लेकर। देखिए, कांग्रेस ने 42 संशोधन किए, भूपेंद्र गुप्ता जी की बात को मान भी लेता, अलगाववादी ताकतों के दबाव प्रभाव में आके उनको लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन किए, कश्मीर के आवाम को लाभ पहुंचाने के लिए कोई संशोधन नहीं किए कांग्रेस ने। कश्मीर में एक समस्या थी कि वह एक देश में दो प्रधान दो निजाम, एकता अखंडता के ऊपर बात थी और उसको लेकर भारतीय अपने, अरे भाई साहब, नागालैंड में ये समझौता क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। नागालैंड में यही समझौता मोदी जी ने क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। यही समझौता नागालैंड में क्यों कर लिया, इसका जवाब तो दीजिए भाई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ये नागालैंड में खराब काम क्यों कर रहे हैं, काम करेंगे। आपने नागालैंड में क्यों स्वीकार कर लिया, आपने इसका जवाब दो आप। अरे नागालैंड में आपने क्यों स्वीकार किया, इसका जवाब दीजिए। आपने नागालैंड में क्यों माना, इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में करने का काम किया है। अरे श्रीमान जी, आप जो है ये रटी हुई तोते की तरह मत बोलिए, ये बताइए कि नागालैंड में फिर आपने यही क्यों किया। तोते तो आप और राहुल गांधी के जो क्या कह रहे हैं, नागालैंड में आपने क्यों किया यही चीज, इसका जवाब दीजिए। अगर आप शांतता के खिलाफ हैं तो ये एक जगह खत्म करके चार जगह, क्योंकि यहाँ पर आप जो है किसी एक जात को टारगेट करना चाहते हैं। आप नागालैंड में स्वीकार किया, बताइए आप नागालैंड में क्यों दो निशान हैं, नागालैंड में क्यों दो झंडे हैं, नागालैंड में क्यों सारी व्यवस्था है। आपकी सरकार ने बहुत, आप उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे, वो आप सुनेंगे क्या उन्हें, लेकिन जवाब दीजिए कि वही मामला आपने नागालैंड में क्यों खत्म कर दिया, बोलने तो दीजिए उन्हें। हमें या नामे चिल्ला चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होता गुप्ता जी, आप एक्सपोज हो चुके, जनता ने आप लोगों को कर भी दिया है। ये सवाल बार बार चिल्ला के नहीं, ठीक है, निरंजन पोद्दार जी के पास जाने, ठीक है, नहीं नहीं, ये आप तो ओवरलैप कर रहे हैं ना एक दूसरे की बात को, निरंजन पोद्दार जी, गुप्ता जी नागालैंड का जवाब के अलावा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ठीक है, नेहरू की नाकामी, निरंजन पोद्दार जी को लीजिए जी, जी अपर्णा जी, सर सुन रहे हैं ना आप, बहस किस तरह क्या मोड़ ले रही है यहाँ पर। देखिए अपर्णा जी, ऐसा है कि कौन क्या बोलता है इस ये चीज मूल्यहीन है। मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस देश सर्वप्रथम तो जो यहाँ पे टीवी डिबेट के ऊपर जो प्रवक्ता आते हैं वो जनता को उल्लू बनाना, जनता को मूर्ख बनाना, जनता को गुमराह करना, ये जो शब्द मैं सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये अपने आप को सर्व और बहुत बड़े बुद्धिमान समझते हैं, क्योंकि इनको ये चीज समझ में नहीं आती कि जो जनता है, जनतंत्र का क्या है, जनतंत्र का मतलब ये है कि जो जनता का जनादेश है वो उससे जो तंत्र चलता है वो जनतंत्र है, और जब जनता के जनादेश को मूर्खता कह देना, बेवकूफी कह देना, या उसको उल्लू बनाना कह देना, तो इसका मतलब तो पूरी जनता के ऊपर आक्षेप लग गया। आज मुझे एक बात बताइए, कश्मीर के मुद्दे की मैं बात करता हूँ कि पूरा देश जब हटा, पूरे देश ने पूरा उत्साह मनाया, मैं तो कहूं आदि कांग्रेस भी उसके समर्थन में थी, लेकिन आदि कांग्रेस आज भी कहीं ना कहीं भ्रमित है, और यही फर्क होता है। अवस्थी जी से एक फाइनल कमेंट, अवस्थी जी एक फाइनल कमेंट आपसे, क्या नागालैंड के फैक्ट्स बताइए आप। एक तो मैं इनको एक आंसर करना चाहता हूं, माननीय भूपेंद्र गुप्ता को और इनकी पूरी कांग्रेस पार्टी को, मिजोरम और असम के फैक्ट्स जब समय आएगा तब, इन लोगों को ये बार बार पत्रकार 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 करना बंद कर देना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि 2-4-10 पत्रकारों से पूरी मीडिया नहीं होती है ना,
मेरे पूर्वजों ने जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस तानाशाही को खत्म करने का काम भी किया था, और यदि आज सरकार तानाशाही करेगी तो मैं उसको खत्म करने का काम करूंगा। इनके जैसे लोग नहीं कर पाएंगे, एक बात क्लियर। दूसरी बात, मैं जो इनको समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं कि इन्होंने कश्मीर में धारा 370 में कितने भी संशोधन किए, ये बोल रहे हैं कि इस दो साल में क्या हुआ। सन 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1949 में क्या हो गया, और आप इस बात का जवाब दें आज भी हम लोग क्यों मारे जा रहे हैं। मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज मेरे साथ। फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है, आप जुड़े रहिएगा।